हाथरस के SST कोर्ट ने हाथरस कांड में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया जबकि 1 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस वीडियो में हम हाथरस की SST कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट ने किन किन बातों का जिक्र अपने फैसले में किया है और किस आधार पर 3 आरोपियों को बरी कर दिया। सबसे पहले मैं आपको मामला बता दूं कि दरअसल हाथरस में जो दलित बच्ची थी उसके साथ गैंगरेप और उसके साथ बर्बरता का मामला था जिसके आधार पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें 4 आरोपी बनाए गए थे। संदीप ठाकुर, लवकुश, रामू सिंह और रवि सिंह, ये 4 लोग आरोपी थे जिन्हें अब रेप के आरोप से मुक्त कर दिया है। SST कोर्ट ने माना कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था, 4 लोगों को रेप के आरोप से बरी कर दिया। इनमें से जो 3 लोग हैं, लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह, इनको तो कोर्ट ने बरी कर दिया हर आरोप से, जबकि संदीप ठाकुर नाम का जो लड़का है, जो आरोपी है, उसको SST कोर्ट ने 304 यानी गैर इरादतन हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये फैसला आया है SST एक्ट जो हाथरस की कोर्ट है उसकी तरफ से। लेकिन इस फैसले में कई ऐसी चीज़ें हैं, मैं ये फैसला पढ़ रहा था, 167 पेज का लंबा चौड़ा फैसला है जो कोर्ट ने दिया है, इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगा इस वीडियो को बनाने में। हमने पूरा फैसला पढ़ा और उसको समझा और उस फैसले में कई ऐसी बातें हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं और इस केस पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जो कोर्ट है उसने ये माना है कि पीड़िता के साथ में रेप हुआ ही नहीं था। कोर्ट ने इसके लिए जो दलील दी है अपने फैसले में, उसमें ये कहा है कि जो पीड़िता है उसने पहला जो बयान दिया था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी पत्रकारों को जो उन्होंने बयान दिया था, उसमें उन्होंने रेप की बात नहीं की, जबकि कुछ दिन बाद का जो वीडियो आया था उसमें पीड़िता रेप की बात कह रही है और संदीप का, रवि का नाम भी ले रही है। इन दोनों बयानों में अंतर है, इसलिए ये आरोप साबित नहीं होता कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ ज़रूरी बात यह है कि जब पीड़िता पहली बार जब उसके साथ इस तरह की वारदात हुई थी तो पीड़ित परिवार उसे थाने लेकर गया था, वो वीडियो सामने आया था, लेकिन थाने से उन्हें भगा दिया गया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी FIR दर्ज नहीं की गई थी। उसके बाद फिर उसे जो वहाँ के अस्पताल थे उसमें भर्ती कराया गया, जिला अस्पताल में रखा गया, जहाँ आरोप लगा कि उसे उचित इलाज नहीं दिया गया। अब यहाँ आप समझिए कि यदि पीड़िता उस स्थिति में है जहाँ उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है, उसके साथ वारदात हुई है, उसके सर्वाइकल फ्रैक्चर है, जीभ काट दी गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या पीड़िता बयान देने की स्थिति में थी? तो जो इनिशियल बयान आया उसमें ये भी सवाल उठ खड़ा होता है कि पीड़िता जब अपने आप उसने थोड़ा होश संभाला होगा, उसको होश आया होगा, वो थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बेहतर हुई होगी, तब जो बयान आया है उसको कोर्ट ने कंसीडर क्यों नहीं किया? और डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरने से पहले दिया हुआ बयान जिसमें पीड़िता साफ साफ कह रही है जब पत्रकारों से सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ रेप हुआ है, तो वो संदीप और रवि का नाम ले रही है और कह रही है कि बाकी लोग भी वहां पर थे, तो इस बयान को कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, रेप के आरोप को मना कर दिया। आपको याद होगा इसी मामले में जो यूपी पुलिस है उस पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे कि उन्होंने पीड़िता को इनिशियल मदद नहीं किया, जब पीड़िता को थाने लेके गया था तो उसे मदद नहीं की गई, अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिला, और तभी वहाँ के जो ADGP थे प्रशांत कुमार, उन्होंने कह दिया था कि पीड़िता को उसके शरीर में सीमन नहीं मिला, यानी कि जो स्पर्म है वो नहीं मिला है, इसलिए रेप की पुष्टि नहीं हुई है। FSL की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया था, उन्होंने मना कर दिया था कि रेप हुआ ही नहीं है, जबकि CBI को जब ये केस दिया गया तो CBI ने अपने 2000 पन्नों की रिपोर्ट में ये कहा कि पीड़िता के साथ 4 आरोपियों ने रेप किया था और फिर उसके साथ है उसकी हत्या की मंशा से उसके साथ जो है अपराध को अंजाम दिया, जिससे फिर बाद में उसकी मौत हो गई, ये CBI की रिपोर्ट कहती है। अब यहाँ आप दिलचस्प चीज़ और देखिए कि अभी हाल ही में इंडिया टुडे का एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें जो यूपी की FSL टीम है लखनऊ में, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं
वो कह रहे हैं कि मैं 10 लाख रुपए दे के डीएनए सैंपल बदल दूंगा, मैं एफएसएल की रिपोर्ट बदल दूंगा। आगरा में कोई व्यक्ति हैं द्विवेदी, उनके हवाले से बताया गया है कि वो भी कह रहे हैं कि एक जो दहेज के लिए पीड़िता को जहर देकर मारने का मामला है, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट ही बदल दूंगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पैसा दे दीजिए। तो इससे ये साबित होता है कि कैसे एफएसएल या फोरेंसिक लेबोरेटरी में भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती है। ये एक तथ्य बन गया, साबित हो गया, लेकिन फिर भी उसका आधार बनाया जा रहा है। अब यहाँ एक चीज समझिए कि जब पीड़िता को पहले कई दिनों तक अस्पताल छोटी जगह रखा गया, फिर दूसरी जगह रखा गया, उस दौरान पीड़िता के सैंपल्स कलेक्ट नहीं किए गए, उस समय पीड़िता को जो फोरेंसिक सबूत मिल सकते थे, जो चीज़ें जो जरूरी होती हैं किसी केस को इस्टेब्लिश करने के लिए, वैसे सबूत वहाँ इकट्ठे नहीं किए गए थे। तो केस में भयंकर लापरवाही पहले दिन से ही की गई थी, उसका जिक्र नहीं है कि ये लापरवाही हुई, इसकी वजह से भी सबूत नष्ट हुए होंगे, उसका जिक्र नहीं किया गया, जबकि ये कह दिया गया कि बयान अलग अलग हैं, इसलिए ये साबित नहीं हुआ, मेडिकल में भी साबित नहीं हुआ, इसका जिक्र वो कर देते हैं, जबकि ऐसे आरोप लगे कि वो पहले कोर्ट में जाने से पहले जो पुलिस की कार्रवाई थी वो ही बहुत संदिग्ध थी, उन्होंने इनिशियल सबूत इकट्ठा नहीं किए, फिर बाद में जब सीबीआई को केस गया तो उन्होंने तो मान ही लिया कि रेप हुआ था। तो यहाँ गंभीर सवाल खड़ा होता है, कोर्ट कह रहा है कि नहीं हुआ था। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ जो है वो कह रही है जो कोर्ट है, SC ST कोर्ट, वो कह रहे हैं कि पीड़िता की हत्या भी नहीं की गई थी। कोर्ट ने बहुत चौंकाने वाली ऑब्जर्वेशन इस पूरे जजमेंट में दी है। वो कह रहे हैं कि दरअसल जो पीड़िता थी उसके गले पर जो निशान है वो निशान ऐसा है जो मेडिकल टीम ने बताया है कि उसके पड़े जो गले में पड़ी हुई चुन्नी थी, जो दुपट्टा था, उसको खींचा गया था और उसको खींचने से जो झटका लगा है उससे उसके गले में निशान बना और उसका सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ, यानी जो गर्दन की हड्डी है पीछे उसमें फ्रैक्चर हो गया, ये कोर्ट कह रहा है। और देखिए मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ, जो कोर्ट है उसका जजमेंट है 167 पेज का, उसके पेज नंबर 163 और 164 पर इसका जिक्र है। वो लिखते हैं जजमेंट अपनी, उसमें लिखा है कि साक्ष्य के आधार पर यह बिना किसी संदेह के पूर्ण साबित हो जाता है कि दिनांक 14/9/2020 को अभियुक्त संदीप ने पीड़िता के गले में पड़े दुपट्टे से उसे खींचा था, जिससे वो घटनास्थल पर बेहोश हो गई थी और इलाज के दौरान 29/9/2020 को पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। पीड़िता की गर्दन के सामने की ओर लिगेचर मार्क पाए गए हैं। इस बारे में डॉक्टर गौरव सिंह अभय का कथन है कि ये इंजरी सिंगल इंपैक्ट से या फिर फोर्सफुल जर्क से आना संभव है। ये कोर्ट कह रहा है कि पीड़िता के गले में जो झटका लगा है चुन्नी खींचने से, उसकी हड्डी पीछे की हड्डी सर्वाइकल फ्रैक्चर उसे हुआ, उसके बाद उसको जो है उसकी मौत हो गई, बाद में उसको गला घोट के नहीं मारा गया। कोर्ट ये कह रहा है कि वैसे निशान नहीं मिले हैं, स्ट्रेंगुलेशन के निशान नहीं है, गला घोट के नहीं मारा गया बल्कि खींचा था, उससे उसको सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ है। अब यहाँ बहुत ही मतलब कहें कि निराश करने वाली बात और है जजमेंट में। वो ये कह रहे हैं, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो काम हुआ है ना, ये जो गला से चुन्नी को खींचा गया और उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, सर्वाइकल फ्रैक्चर उसे हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हुई, ये दरअसल अनजाने में हुआ है, गैर इरादतन हत्या है, ये जानबूझकर पीड़िता को मारने की कोशिश नहीं थी। कोर्ट ने यह मान लिया कि चुन्नी खींची गई, दुपट्टा खींचा गया, जिससे उसको सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ पीड़िता को, लेकिन वो जानबूझकर नहीं किया गया। हैरान कर देने वाली बात है कि क्या कोई मजाक में उसकी चुन्नी खींच रहा था और खींचने में इतनी फोर्स उसने लगा दी, इतनी जान लगा दी कि एक झटके में बच्ची का सर्वाइकल फ्रैक्चर हो गया, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसके बाद वो कितने दिन तक पीड़ित रहते हुए, परेशान रहते हुए अपनी जान दे देती है। ये इरादतन नहीं है, ये गैर इरादतन है, क्या ये संभव है? कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन, कोर्ट की ये जो फैसले में जो बात कही है, ये चौंकाने वाली आती है। आगे देखिए इस जजमेंट में क्या लिखता है, बहुत ही मतलब मैं निराश हुआ ये जजमेंट पढ़ के। कोर्ट कह रहा है कि चूंकि उसने खींचा, उसको सर्वाइकल फ्रैक्चर हो गया गले में, और वो तो कई दिन तक बात कर रही थी, बोल रही थी, इसलिए जो संदीप ठाकुर मुख्य आरोपी है उसका इरादा हत्या करने का नहीं था। जजमेंट के अंदर जो लिखा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। स्ट्रेंगुलेशन के दौरान पीड़िता की मृत्यु कुछ ही मिनटों में हो जाती है, लेकिन यहाँ जबरदस्त झटका लगने से उसकी सर्वाइकल में फ्रैक्चर, तत्पश्चात होने वाली विविधताओं से हुई है।
जो कि काफी विलंब से हुई है। इस प्रकार से पीड़ित घटना के 8 दिन बाद तक बातचीत करती रही और बोलती रही, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का आशय निश्चित रूप से ही पीड़िता की हत्या करने का ही रहा था। सुन रहे हैं आप क्या ये कोर्ट बोल रही है। SST कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया है कि पीड़िता पिछले 8 दिन से बात कर रही थी, बोल रही थी, इसलिए ये नहीं प्रतीत होता कि संदीप उसकी हत्या करना चाहता था, इसलिए उसको गैर इरादतन हत्या के तहत आरोपी माना, आरोप जो लगा था उसमें दोष साबित माना जाता है और उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। क्या किसी को आप इस तरह से झटका मारेंगे? अगर हम यही बात मान लें कि कोर्ट जो कह रहा है वही बात सच है, अगर बच्ची के गले में दुपट्टे को इतनी जोर जबरदस्ती के साथ खींचा गया, इतनी उसमें दम लगा के खींचा गया कि उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है गले की, ये हत्या करने के मकसद से नहीं था, ये क्या करने के मकसद से था? क्या ये उसके वहाँ पर कोई मजाक चल रहा था कि वो हंसी मजाक में खेल खेल में कुछ ऐसा कर रहे थे और झटके में उसको सर्वाइकल फ्रैक्चर हो गया जिसके बाद बच्ची तड़प तड़प कर मर गई? ये इरादतन नहीं था तो क्या था? ये यहाँ पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और कोर्ट की जजमेंट में जो ये बातें लिखी हैं ये हमें बेहद निराश करने वाली है। SST कोर्ट ने उसको गैर इरादतन हत्या का दोषी माना लेकिन रेप और हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया। गांव के संदीप ठाकुर, लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह पर जो आरोप लगा था गैंगरेप का, वो भी हटा दिया कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा जो एक और बेहद परेशान करने वाली बात इसमें लिखी है जजमेंट में, उसमें जजमेंट में संदीप जो ठाकुर है उसके बयान को भी आधार माना गया है। जो संदीप ठाकुर है मुख्य आरोपी, उसने अपने बयान में पीड़िता का चरित्र हनन करने की कोशिश की है और उसके बारे में बेहद खराब बातें लिखी हैं, बोली हैं अपने बयान में, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। उसको भी इसमें देखिए आप जजमेंट में जो लिखा है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाया गया और उल्टा ये दोष मढ़ने की कोशिश की कि हमने कुछ नहीं किया था। पीड़ित परिवार जो अपने आप को बता रहा है, यानी जो पीड़िता है उसके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की, उसी ने उसकी हत्या कर दी, ऐसा ये बयान दे रहा है, कह रहा है कि रंजिश में ऐसा हुआ है। देखिए वो क्या लिखता है, जो जजमेंट है उसमें संदीप ठाकुर के हवाले से बयान है। अभियुक्त संदीप सिसोदिया उर्फ चंदू ने अपने बयान के अंतर्गत धारा 313 में कथन किया है कि मेरे पूरे परिवार को फंसाने के लिए पूर्व रंजिश से मनगढ़ंत कथानक बनाया गया, सिखाए गए बयानों को राजनीतिक लोगों के बहकावे पर पीड़िता से कहलवाया गया। पीड़िता ने सिखाने और धमकाने पर मेरे खिलाफ वीडियो में बोला है। पीड़िता के परिवार से हमारे परिवार के पहले मुकदमेबाजी काफ़ी समय से चल रही थी और वादी मुकदमा के परिवारजनों के खिलाफ मेरे परिवारजनों ने आबादी पर अतिक्रमण के संबंध में प्रशासन को शिकायत की थी जिसकी जांच हुई थी, इसलिए मेरे परिवारजनों को वादी के परिवार से रंजिश थी, परंतु मेरे और पीड़िता के पिछले 2-3 सालों से प्रेम संबंध थे। मैं व पीड़िता के भाई के फ़ोन पर बातें भी करते थे और कभी घर पर कभी खेतों पर मिलते थे, जिसका पता पीड़िता के परिजनों को चल गया था, जिस पर पीड़िता के भाई ने पीड़िता की पिटाई भी की। घटना के दिन सुबह करीब 7:45 बजे मैं अपने घर के सामने अपने पशुओं को चारा पानी कर रहा था तो पीड़िता ने अपने घर के सामने से हाथ के इशारे से मेरे फ़ोन के बारे में पूछा था तो मैंने हाथ के इशारे से अपने फ़ोन को अपने घर वालों द्वारा तोड़ दिया जाना बताया था। उस समय मैं पीड़िता के घर वालों को नहीं देख पाया था परंतु उन्होंने मुझे देख लिया था। इस बात पर पीड़िता के भाई ने पीड़िता को डांटा फटकारा और पिटाई की जिससे पीड़िता को चोट आई थी और पीड़िता को डरा धमका कर झूठा बयान दिलाया और मुझे इस प्रकरण में फंसाया। ये बयान है कि जो आरोपी था मुख्य आरोपी संदीप उसका बयान पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। घटना के दिन न तो मैंने पीड़िता के साथ मारपीट की, न ही मैं पीड़िता के निकट गया। बाद में मुकदमावादी अपने दूर के रिश्तेदार व उसकी पुत्री के प्रभाव में सरकार विरोधी राजनीतिक दलों के प्रभाव में मुआवजा मिलने की उम्मीद में इस तरह का केस मुझ पर लगा दिया। ये मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर का बयान मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। तो बच्ची के जो चरित्र है उसी पर सवाल खड़ा कर दिया। चरित्र हनन जो
कि इनका एक सबसे बड़ा हथियार होता है कि पीड़िता के चरित्र पर ही हमला कर दो, उसी को ही चरित्रहीन साबित कर दो। वो बयान इस कोर्ट में, इस जजमेंट में उसका जिक्र है कि जो संदीप है वो कह रहा है कि मेरे उससे प्रेम संबंध थे, हमारा अफेयर चल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, पीड़ित परिवार ने ही ऐसा किया। अब यहाँ गंभीर सवाल खड़ा होता है जो कि कोर्ट को सोचना चाहिए था कि जब पीड़ित परिवार पहली बार में ही बच्ची जब घायल थी, जब तड़प रही थी, उसको लेकर पुलिस थाने गया, चंदपा थाने में गया, चंदपा थाने की जमीन पर बच्ची का वीडियो है जो पुलिस स्टेशन के अंदर का है, अगर पीड़ित परिवार ने बच्ची को हत्या करने के इरादे से पीटा था, उसके साथ इतनी मारपीट की कि उसकी जीभ कट गई, उसकी सर्वाइकल फ्रैक्चर हो गया, उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या जो हमला करने वाले लोग हैं यानी पीड़ित परिवार, वो पुलिस स्टेशन खुद ही चला जाएगा? क्या खुद ही ये बताएगा पुलिस स्टेशन में जाके कि हमारी बच्ची के साथ ये हो गया है? अगर बच्ची ने ये बता दिया कि इन्होंने मारा है तो वो जेल नहीं जाएंगे, उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी? उनको ये डर सताता अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो थाने में लेकर क्यों गए अपनी बच्ची को, जहां से पुलिस ने उसको भगा दिया, थाने से कोई मदद नहीं की, आरोप है थाने पर, पुलिस वालों पर, बाद में उन्हें सस्पेंड भी किया गया। तो यहां ये सवाल खड़ा होता है कि अगर परिवार वालों ने ऐसा किया था तो वो पीड़िता को थाने में लेकर ही क्यों गए? इतने दिनों तक अस्पताल में जो उसके इलाज के लिए मिन्नतें कर रहा था परिवार, दर दर भटक रहा था, वो क्यों कर रहा था ऐसा, जो है क्यों उन्होंने नहीं किया? अगर ऐसा था तो फिर ये बताइए कि कोर्ट तो अब दूसरी जगह पे ये कह रहा है कि उसने दुपट्टा खींचा था, यहाँ पर ये इसका बयान झूठा साबित होता है ना। संदीप ठाकुर का कोर्ट तो मान रहा है कि उसने दुपट्टा खींचा था, यानी कि वो वहां मौजूद था, उसका ये झूठा बयान है जो पीड़िता का चरित्र हनन करता है। इस पर भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था, पीड़िता के चरित्र हनन पर भी संज्ञान लेते हुए इस पर और ज्यादा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। पीड़िता अपने आखिरी वीडियो में कहती है, रवि ने, संदीप ने मेरे साथ रेप किया है, बाकी लोग भी वहां थे जो मेरी माँ को देखकर भाग खड़े हुए, पीड़िता के बयान को कंसिडर किया जाना चाहिए था और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाना चाहिए था। इस पूरे जजमेंट में कई ऐसी चौंकाने वाली बात हैं जो हमें परेशान करती हैं। जज साहब ने एक और बात इसमें दिलचस्प बोली है जो आप लोगों को जानना चाहिए। वो कह रहे हैं जैसे ये संदीप जो है ये भाषा बोल रहा है, वैसी भाषा में जजमेंट का एक हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि ये पीड़ित परिवार से बाद में जब ये मामला उछलने लगा तो बहुत सारे लोग मिलने आए, राजनीतिक दलों के लोग गए, एक्टिविस्ट गए, मीडिया गया, बहुत सारे लोग गए, तो मुमकिन है कि उनके प्रभाव में पीड़ित परिवार ने बाकियों के नाम लिखवा दिए होंगे। यानी जो मुख्य आरोपी है जिस भाषा में उसने बोला है वैसी भाषा का जिक्र इस जजमेंट में बाद में आता है कि वो प्रभाव में शायद बयान लिखवा दिए गए होंगे, इसलिए उनको बरी किया जा रहा है। ये जजमेंट अपने आप में बेहद परेशान करने वाला है और न्याय की उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए एक निराशा है। पीड़ित परिवार पिछले 2.5 साल से न्याय की उम्मीद कर रहा था लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार की ओर से पीड़िता की भाभी ने कहा है कि ये दरअसल ठाकुरों को मिला हुआ न्याय है, योगी की ठाकुरवादी नीति का परिणाम है, दलितों को वो हिंदू नहीं मानते और दलितों को न्याय नहीं मिला है। सुनिए उनकी भाभी ने क्या कहा। आज कोर्ट में जो न्याय, मैं भाभी हूँ, आज कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। अपने संतुष्टि जब होगी तो चारों को सजा मिलेगी, चारों को सजा मिलेगी तब संतुष्ट होंगे हम। तो क्या अस्थियां रखा किए विसर्जित करेंगे? नहीं, उनका विसर्जन जब होगा जब चारों को सजा मिलेगी तब। अब आगे क्या कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आगे न्यायालय और है उनमें है, उनके लिए हम लोग अपील करेंगे, मगर इस कोर्ट से जो भी मिला है संदीप को जो सजा मिली है, संदीप की सजा से हमारा कुछ वो नहीं हो रहा ना। या संदीप से सजा से न्याय नहीं मिला? क्या न्याय मिला उससे बताइए, क्या न्याय मिला है उसकी सजा से? ठाकुरवादी जातिवादी न्याय, धर्मवादी न्याय, ये न्याय मिला है। मिला है तो ठाकुर लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। योगी जी ने ना ठाकुरवादी बना के रखा है यूपी को, ठाकुरवादी है। हम भंगी की औलाद है, छाती ठोक के बोलते है भंगी को, ठाकुरवादियों से ज्यादा वो नहीं करते हम, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है, हमें न्याय नहीं मिला। हम हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू होने का कोई मतलब है आप बताइए? कोई है नहीं है, हम किसी भी गिनती में नहीं आते, किसी गिनती में नहीं आते। गंदी नाली कीड़े मकोड़े बना रखे हैं हमको तो।
पूरे मामले पर SST कोर्ट से जो फैसला आया है उसके बाद तीन आरोपी बरी, जबकि एक को उम्र कैद की सजा गैर इरादतन हत्या और SST एक्ट की धाराओं में संदीप ठाकुर को मिली है। लेकिन ये पूरा न्याय नहीं कहा जा सकता। इस केस में पीड़ित पक्ष की जो वकील हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि ये पूरा न्याय नहीं है, हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम ऊपरी अदालत में जाके इसको चुनौती देंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज जजमेंट सुनाया है, इसमें एक अक्यूज, चार में से एक अक्यूज संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है SC ST एक्ट और 304 पार्ट 1 में कन्विक्शन किया है और तीन अक्यूज को इसमें एक्वाटल कर दिया गया है। हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज एक को सजा हुई है, बाद में उन तीनों का भी कन्विक्शन होगा। फिर यहाँ पे ये जो तीन जो बरी हो गए हैं इसमें क्या मानेंगे, क्या इसकी कोई कमी रह गई थी? देखिए, इसमें शुरुआत से ही देखें, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर एक का इसमें कन्विक्शन हो रहा है और पहले दिन 14 तारीख को 14 सितंबर 2020 को चंदपा थाने में वो बेटी पहली बार इसका एक्यूज जिसका कन्विक्शन हुआ है उसका नाम ले रही, 16 तारीख को उसने अपने परिवार को बताया, तो जब इस केस में एक ही अपराधी था तो फिर SI वर्मा के खिलाफ CBI ने चार्जशीट क्यों फाइल कर दी नेग्लिजेंसी में? नेग्लिजेंसी फिर कहां से आ गई? अगर ये केस आपका क्लियर था, CBI ने इसमें 376D, 376A, 302, 34 ये सारे सेक्शंस क्यों लगा दिए थे? और उसके बाद इसमें 354 भी लगा, 354 इस ग्राउंड पर लगा बाद में की पीड़िता ने बताया छेड़खानी की, उसके बावजूद भी इसमें कन्विक्शन नहीं हुआ इन धाराओं में। तो अभी हमारे पास ये जजमेंट की कॉपी है, इसको रीड आउट करेंगे, हम अपील करेंगे, आज एक का कन्विक्शन हुआ, बाद में और लोगों का भी होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, शुरुआत से ही जिस तरीके से ये मैटर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बनाया गया, उस तरीके से मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद चारों का ही कन्विक्शन होता। तो हमारे पास अभी राइट है, ऑप्शन है हमारे पास जाने का, हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम जाएंगे, हमारे पास ये राइट है, हम जाएंगे। पीड़ित परिवार के मुताबिक पीड़िता के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी, उसके बावजूद उसे बुनियादी उपचार से नकारा गया। पीड़ित परिवार ने कहा कि उसे ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दिया गया, जब वो परेशान थी लोग मांग करते रहे कि बेहतर अस्पताल में ले आओ, तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाने में बहुत दिन लग गए, 28 तारीख को लाए और 29 तारीख को बच्चे की मौत हो जाती है। फिर किस तरह से हमने तस्वीरें देखी कि योगी की यूपी पुलिस जबरदस्ती परिवार वालों को घर में कैद करके उनको लॉक कर देती है, पीड़िता को किसी लावारिश की तरह ले जाती है, मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल के बच्ची को आग लगा देती है, उसको जला देती है। जो लोग हिंदू धर्म का दावा करते हैं कि अंतिम संस्कार, हमारे सारे संस्कार विधि विधान होने चाहिए, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं की सरकार ने कैसे एक दलित बच्ची को लावारिशों की तरह, जानवरों की तरह जला दिया, ये तस्वीरें हमने सब ने देखी। अब उस पीड़ित परिवार पर क्या गुजर रही होगी वो सोचिए, जो पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा था उन्हें न्याय नहीं मिला। लेकिन अभी अदालत है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, परिवार अभी वहां न्याय की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद हम करते हैं कि इस देश में, जिस देश में दलित महिलाओं को जिंदा जला देने की परंपरा है, उम्र जहां बच्ची को मरने के बाद लावारिस लाश की तरह जला दिया गया, जहां 50,000 से ज़्यादा दलितों के ऊपर आपराधिक मामले जो हैं उन पर हमले के जो आपराधिक मामले हैं वो सालाना दर्ज होते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्याय मिल पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, हमें न्याय की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भारतीय संविधान और दंड संहिताओं के हिसाब से जो आरोपी हैं उनके ऊपर दोष साबित होने पर उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि दलितों की जिंदगी भी मायने रखती है। यहाँ उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो जाति देखकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी जाति की पीड़िताओं के पक्ष में बड़े बड़े कैंडल मार्च करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन वही पीड़िता जब कोई दलित बैकग्राउंड से होती है तो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे लोगों का भी यहाँ पोल खोल होना चाहिए, उनको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए।
आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये विश्लेषण जो हमने कोर्ट के जजमेंट क्या किया है उस पर आप क्या सोचते हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो हमें दीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि आप ताकत हैं। दूसरी मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, दलितों की जिंदगी क्या मायने उनके लिए रखती है, लेकिन आपका अपना मीडिया आपके लिए ज़रूरी बातें ज़रूर लाता रहेगा। आपसे अपील है कि हमें आप मजबूत बनाएं, आप हमारी मदद करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।